जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फ्यूल पर। दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर आपके सामने एक नई गवर्नमेंट भर्ती अपडेट के साथ। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आसाम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्राइड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2022 के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो इस वैकेंसी में कुल पद हैं 1380। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट नेम एंड पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपकी पहली पोस्ट है हवलदार क्लर्क, और हवलदार क्लर्क में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 287। यहाँ पर आपकी अगली पोस्ट है हवलदार ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, और इस पोस्ट में कुल पद है 729। इसके अलावा यहाँ पर आपकी पोस्ट है नायब सूबेदार की, और इस पोस्ट में कुल पद है 17। इसके अलावा यहाँ पर आपकी पोस्ट है राइफलमैन आर्मरर की, और इस पोस्ट के लिए कुल पद है 48। इसी तरीके से यहाँ पर और भी बहुत सी पोस्ट हैं, जैसे कि राइफलमैन आया, यहाँ पर राइफलमैन आया में कुल पद है 15। इसके अलावा राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट, और इसके लिए कुल पद है 13। राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट, और इसके लिए कुल पद है 100। इसके अलावा यहाँ पर आपकी पोस्ट है राइफलमैन वॉशरमैन की, इसमें कुल पद है 80। इसके अलावा यहाँ पर आपकी पोस्ट है वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक की, इसमें कुल पद है 72। और इसके अलावा यहाँ पर आपकी पोस्ट है वारंट ऑफिसर वेटनरी फील्ड असिस्टेंट की, जिसमें कुल पद है 10। और यहाँ पर आपकी लास्ट पोस्ट है नायब सूबेदार रिलीजियस टीचर की, और इसमें कुल पद है 9। तो इस तरीके से कुल मिलाकर यहाँ पर 1380 पद हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 जून 2022 से शुरू हो चुके हैं, और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 20 जुलाई 2022। अगर बात करें रैली के डेट के बारे में, तो आपकी रैली 1 सितंबर 2022 को शुरू होने के चांसेस हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फी के बारे में। तो वो मेल कैंडिडेट्स जो कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि ग्रुप बी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 200 रुपये फीस के देने होंगे। और वो मेल कैंडिडेट्स जो कि जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि ग्रुप सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 100 रुपये फीस के देने होंगे। यानी कि ग्रुप बी पोस्ट के लिए आपको 200 रुपये और ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपको 100 रुपये फी का पेमेंट करना होगा। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर आपको कोई फी का पेमेंट नहीं करना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर केवल मेल कैंडिडेट्स जो कि जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको फी का पेमेंट करना होगा। और आप अपनी फी का पेमेंट अपने डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर SBI चालान के थ्रू कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर हम आपकी उम्र आपको ट्रेड वाइज बताएंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपकी उम्र है वो 1 अगस्त 2022 के हिसाब से काउंट होगी। तो यहाँ पर जो आपकी पहली ट्रेड है वो है ब्रिज एंड रोड ट्रेड। अगर आप इस ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी उम्र 18 साल से लेकर 23 साल के बीच होना जरूरी है। यहाँ पर आपकी अगली ट्रेड है क्लर्क ट्रेड, और अगर आप क्लर्क ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी उम्र 18 साल से लेकर 25 साल के बीच होना जरूरी है। इसके अलावा आपकी ट्रेड है रिलीजियस टीचर की, अगर आप इस ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी उम्र 18 साल से लेकर 30 साल के बीच होना जरूरी है। आपकी अगली ट्रेड है ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन ट्रेड, अगर आप इस ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी उम्र 18 साल से लेकर 25 साल के बीच होना जरूरी है। और इसके अलावा अगर आप आर्मरर लेबोरेटरी असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट वॉशरमैन आया और वेटनरी फील्ड असिस्टेंट ट्रेड्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी उम्र 18 साल से लेकर 23 साल के बीच होना जरूरी है। अगर बात करें उम्र में मिलने वाली छूट के बारे में, तो यहाँ पर एससी एसटी कैंडिडेट्स को अधिकतम उम्र में 5 साल तक की छूट दी जाएगी, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा वो एक्स सर्विसमैन जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे एक्स सर्विसमैन को अधिकतम उम्र में 3 साल तक की छूट दी जाएगी। और वो एक्स सर्विसमैन जो कि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे एक्स सर्विसमैन को अधिकतम उम्र में 6 साल तक की छूट दी जाएगी। और वो एक्स सर्विसमैन जो कि एससी या फिर एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे एक्स सर्विसमैन को अधिकतम उम्र में 8 साल तक की छूट दी जाएगी। तो ये हो गया आपकी उम्र और उम्र में मिलने वाली छूट। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर हम आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपकी ट्रेड वाइज और रैंक वाइज बात करेंगे। तो यहाँ पर आपकी पहली ट्रेड है क्लर्क ट्रेड, और क्लर्क ट्रेड में आपकी रैंक है हवलदार की। आपको बता दें कि इस ट्रेड के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें इस ट्रेड के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। 12वीं पास होने के साथ ही साथ यहाँ पर आपका टाइपिंग जो कि एक स्किल टेस्ट है वो भी लिया जाएगा, और इस टाइपिंग टेस्ट में आपकी इंग्लिश के अंदर 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होना जरूरी है, और हिंदी के अंदर आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होना जरूरी है। और इस टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये हो गया आपकी क्लर्क ट्रेड के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस ट्रेड के अंदर आपकी रैंक रहेगी हवलदार की, और इस ट्रेड के लिए केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकती हैं। अगर बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो है 10वीं पास होना जरूरी है, और 10वीं पास होने के साथ ही साथ आपके पास
रेडियो एंड टेलीविजन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आई टी आई सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। या तो ये क्वालिफिकेशन हो या फिर आपने जो है 12th पास करी हो पीसीएम से, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से आपने 12th पास करी हो, तो आप ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आर्मरर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट और वॉशरमैन ट्रेड्स के लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर पहले तो आपको बता दें कि अगर आप इन ट्रेड्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी रैंक राइफलमैन की रैंक होगी। और आपको बता दें कि इन ट्रेड्स के लिए केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इन ट्रेड्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो है कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इन ट्रेड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रेडियो मैकेनिक ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो पहले तो यहाँ पर आपको बता दें कि रेडियो मैकेनिक ट्रेड के अंदर आपकी रैंक होती है वारंट ऑफिसर की, और इस ट्रेड के लिए केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें इस ट्रेड के लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है, और 10वीं पास होने के साथ ही साथ आपके पास रेडियो एंड टेलीविजन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर टेली कम्युनिकेशन में या फिर कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर डोमेस्टिक अप्लायंसेस के अंदर आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है, तो आप इस ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर या तो ये क्वालिफिकेशन हो या फिर आपने जो है 12th पास करी हो विद पीसीएम, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और इस 12th में आपके कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे आपकी अगली ट्रेड के बारे में। आपकी अगली ट्रेड है वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट, और इस ट्रेड के लिए अगर रैंक की बात करें तो इस ट्रेड में आपकी रैंक रहेगी वारंट ऑफिसर की, और यहाँ पर आपको बता देंगे इस ट्रेड के लिए केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है, और 12वीं पास होने के साथ ही साथ आपके पास जो है 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए वेटनरी साइंस के अंदर, और इसके अलावा आपको जो है वेटनरी फील्ड के अंदर 1 साल का काम करने का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। तो ये हो गया आपके वेटनरी फील्ड असिस्टेंट ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ब्रिज एंड रोड ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर पहले तो आपको बता दें कि ब्रिज एंड रोड ट्रेड के अंदर आपकी जो रैंक है वो है नायब सूबेदार की, और इस ट्रेड के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको मैट्रिक पास होना जरूरी है, यानी कि आपको 10वीं पास होना जरूरी है, और 10वीं पास होने के साथ ही साथ आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा भी होना जरूरी है। तो ये हो गई ब्रिज एंड रोड ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं रिलीजियस टीचर ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो पहले तो आपको बता दें कि रिलीजियस टीचर के अंदर आपकी ट्रेड रहेगी नायब सूबेदार की, और इस ट्रेड के लिए केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ये जो आपने ग्रेजुएशन करी है वो मध्यमा इन संस्कृत में या फिर भूषण इन हिंदी। तो ये हो गया आपकी रिलीजियस टीचर ट्रेड के लिए क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके लास्ट ट्रेड के बारे में, जो कि आपकी है आया ट्रेड, और इस आया ट्रेड में जो आपकी रैंक है वो है राइफलमैन की, और यहाँ पर आपको बता दें कि आया ट्रेड के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती है, यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आया ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई यहाँ पर ट्रेड वाइज आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो इसके मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहला टेस्ट होगा आपका पीएसटी का, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें कि आपका हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम ट्रेड वाइज आपके हाइट, वेट और चेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे रिलीजियस टीचर, वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, रेडियो मैकेनिक, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, नर्सिंग असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, आर्मरर और वॉशरमैन ट्रेड्स के लिए आपके पीएसटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर स्क्रीन पर अब आप एक टेबल देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो कि नॉर्थ ईस्ट और जो पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो कम से कम 165 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो चेस्ट का क्राइटेरिया है वो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए ही अप्लाई होता है, फीमेल कैंडिडेट्स का कोई चेस्ट का मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो कि नॉर्थ ईस्ट और जो पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स का चेस्ट जो है वो बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो कम से कम 83 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के हाइट के बारे में। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट कम से कम 162.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर बात करें आपके चेस्ट के बारे में, तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो कम से कम 81 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। इसके अलावा जो अदर कैंडिडेट्स हैं, यानी कि एसटी कैटेगरी को छोड़कर और नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी एरिया वाले कैंडिडेट्स को छोड़कर बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और आपका चेस्ट की बात करें, तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो कम से कम 85 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। तो ये हो गया आपका हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट फॉर रिलीजियस टीचर, वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, रेडियो मैकेनिक, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, नर्सिंग असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, आर्मर और वॉशरमैन ट्रेड्स के लिए। अब हम बात करेंगे ब्रिज एंड रोड ट्रेड के लिए आपके हाइट और चेस्ट के मेजरमेंट के बारे में।
तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो कि नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और यहाँ पर ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स जो कि नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अगर बात करें मेल कैंडिडेट्स के चेस्ट के बारे में, तो नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी एरिया से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आपका चेस्ट कम से कम 78 सेंटीमीटर और उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो 83 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी वाले जो मेल कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 162.5 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। और एसटी कैटेगरी वाले जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और जो एसटी कैटेगरी वाले जो मेल कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर आपका चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो 81 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और जो बाकी कैटेगरी और जो स्टेट्स वाले कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी जरूरी है मेल कैंडिडेट्स के लिए। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो कि अदर स्टेट और अदर कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो आपकी हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और ऐसे मेल कैंडिडेट्स के चेस्ट की बात करें, तो आपका चेस्ट कम से कम 80 सेंटीमीटर और उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो कम से कम 85 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। तो ये हो गया आपका ब्रिज एंड रोड ट्रेड के लिए आपकी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट। अब हम बात करेंगे क्लर्क ट्रेड के लिए आपके हाइट और चेस्ट के मेजरमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आप टेबल देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी एरिया से बिलोंग करने वाले मेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में। तो यहाँ पर क्लर्क ट्रेड के लिए जो आपकी हाइट है वो कम से कम 162.5 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स जो कि नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अगर बात करें ऐसे मेल कैंडिडेट्स के चेस्ट के बारे में, तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और इसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो कम से कम 82 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अगर बात करें एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में, तो यहाँ पर वो मेल कैंडिडेट्स जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी क्लर्क ट्रेड के लिए जो हाइट है वो कम से कम 150 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अगर बात करें मेल कैंडिडेट्स के चेस्ट के बारे में जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो कम से कम 81 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अगर बात करें अदर स्टेट वाले और कैटेगरी वाले मेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में, तो आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होना जरूरी है क्लर्क ट्रेड के लिए। और ऐसी जो फीमेल कैंडिडेट्स है जो कि अदर स्टेट और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो हाइट है वो कम से कम 155 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर बात करें मेल कैंडिडेट्स के चेस्ट के बारे में, तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो 82 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आया ट्रेड के लिए आपके पीएसटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जैसा कि हमने बताया था कि आया ट्रेड के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं, यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आया ट्रेड के लिए वो फीमेल कैंडिडेट्स जो कि नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो आपकी हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और अगर आप अदर स्टेट या फिर अदर कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो यहाँ पर आपकी हाइट जो है वो कम से कम 157 सेंटीमीटर होना जरूरी है। तो ये हो गया आपके आया ट्रेड के लिए आपका फिजिकल क्राइटेरिया, जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट के बारे में हमने बात करी। तो दोस्तों ये थी ट्रेड वाइज आपका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें कि आपका हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपका वेट का मेजरमेंट भी किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका वेट है वो आपकी हाइट और आपके एज के अकॉर्डिंग रहेगा। तो ये हो गया मॉड ऑफ सिलेक्शन में आपका पहला स्टेप, जो कि आपका है पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीएसटी क्लियर करने के बाद में मॉड ऑफ सिलेक्शन में आपका अगला स्टेप होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका अगला टेस्ट होगा पीईटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीईटी के अंदर आपका रनिंग टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे उन मेल कैंडिडेट्स के बारे में जो कि लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स की रनिंग जो है वो 1.6 किलोमीटर की होगी और इस रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और वो फीमेल कैंडिडेट्स जो कि लद्दाख रीजन से बिलोंग करती हैं, तो ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स की रनिंग 800 मीटर की होगी और इस 800 मीटर रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं उन मेल कैंडिडेट्स के बारे में जो कि अदर रीजन से बिलोंग करते हैं, यानी कि लद्दाख रीजन को छोड़कर अगर आप बाकी रीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो रनिंग है वो 5 किलोमीटर की होगी और ये 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करने के लिए आपको 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर बात करें ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में जो कि लद्दाख रीजन को छोड़कर बाकी और किसी रीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो रनिंग है वो 1.6 किलोमीटर की होगी और इस 1.6 किलोमीटर रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 8.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये हो गया मॉड ऑफ सिलेक्शन में आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। पीईटी क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होगा ट्रेड टेस्ट, जिसे हम स्किल टेस्ट भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता देंगे स्ट्रेट टेस्ट में आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको अगले स्टेप में जाने के लिए इसको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। तो मॉड ऑफ सिलेक्शन में ये हो गया आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है रिटन एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको बता देंगे ये जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो कुल 100 नंबर का होगा। अगर बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में, तो यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को रिटन एग्जामिनेशन में पास होने के लिए कम से कम 35% मार्क्स लाना जरूरी होगा। और वो कैंडिडेट्स जो कि एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को रिटन एग्जामिनेशन में पास होने के लिए कम से कम 33% मार्क्स लाना जरूरी होगा।
तो ये हो गया आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है DME, यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कि आपका पूरी बॉडी का मेडिकल किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में फिर फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी और फिर उसके बेसिस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये था इसका मोड ऑफ सिलेक्शन, जिसमें कि सबसे पहला टेस्ट आपका होगा PST, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद में आपका होगा PET, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि आपका रनिंग टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका होगा ट्रेड टेस्ट और फिर उसके बाद में आपका रिटन एग्जामिनेशन और फिर आपका DME, यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, और फिर फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और फिर उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये था इसका मोड ऑफ सिलेक्शन। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आसाम राइफल्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.assamrifles.gov.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 20 जुलाई 2022। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था आसाम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2022 के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह की यूजफुल वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।